जर के गांव पटौदा में संस्कारम इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया। इसमें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं अलवर से सांसद योगी बालकनाथ भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। स्कूल शिक्षा का वो मंदिर होता है जिसमें बच्चा संस्कार, शिष्टाचार और नैतिकता का पाठ पढ़ता है। शिक्षा के इस दरबार में विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक बनने के गुण भी सिखाए जाते हैं। झज्जर जिले में एक और संस्कारम स्कूल का उद्घाटन हो गया है। पटौदा गांव में संस्कारम स्कूल के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और अलवर से सांसद योगी बालकनाथ जी ने शिरकत की। इस दौरान अलवर से सांसद योगी बालकनाथ ने कहा, आने वाले दिनों में नेपाल की धरती पर भी ऐसा ही स्कूल खोला जाएगा जो नेपाल में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कारों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। इस गांव के अंदर खेड़ी खातीवास जो कि यहाँ लगभग 27 से 30 किलोमीटर दूर है, रेवाड़ी भी इतना ही है, गुड़गांव भी इतना ही है, गुड़गांव लगभग थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक ऐसे विचार के साथ में स्कूल की नींव को रखना कि मैं अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करूं और मेरे गांव का युवा भी, मेरे गांव के बच्चे भी अपने घर के सभी पे ऐसी शिक्षा की प्राप्ति हो जो शिक्षा आज बड़े बड़े मेट्रो सिटी के अंदर दी जाती है, बड़े बड़े शहरों के अंदर दी जाती है। इस दौरान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा, अगर देश में इस तरह के स्कूल बनेंगे तो बच्चों में राष्ट्रभक्ति भावना आएगी और साथ ही कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं रह पाएगा। ऐसे में देश के कई हिस्सों में भी संस्कारम जैसे स्कूल खुलने चाहिए। आज संस्कारम अंतर्राष्ट्रीय स्कूल पटौदा झज्जर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं स्कूल परिवार को बधाई देता हूँ और स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देश की भावी कर्णधार युवा शक्ति, देश की रीढ़ है, इस युवा शक्ति से आज रूबरू कराने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। झज्जर जिले में संस्कारम का ये दूसरा स्कूल है। झज्जर शहर में संस्कारम स्कूल की एक ब्रांच पहले ही खोली जा चुकी है और अब इसी जिले के पटौदा गांव में ये दूसरी ब्रांच है। झज्जर से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा।